दोस्तों, अगर आप यूपी के नए पेंशनर्स हैं या पुराने पेंशनर्स हैं और अपना स्टेटस आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही चेक करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से अपने मोबाइल से ही अपना पेंशन का स्टेटस अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपका पेंशन बना या नहीं बना, या आपका पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपको किस तरह से चेक करना है। चाहे आपका वृद्धावस्था पेंशन का पैसा हो, या विधवा पेंशन का पैसा हो, या दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन का पैसा हो, या स्टेटस हो, आपको किस तरह से अपने मोबाइल से घर बैठे चेक करना है, तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जानकारी वीडियो का माध्यम से हमेशा बना के लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यूपी पेंशन की ऑफिशियल पोर्टल पर चले आना है। जैसा कि मैंने इस पोर्टल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ, आप उस लिंक के माध्यम से इस पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस पोर्टल पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर ऊपर में आपको तीनों पेंशन का नाम देखने को मिल जाता है, वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन। जैसा कि अगर आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको तीनों पेंशन का नाम देखने को मिल जाता है, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन। तो आपका जो भी पेंशन हो, जैसा कि आपका जो भी पेंशन हो, आपको सिंपली अपने पेंशन के नीचे आपको देखना है, यहाँ पर लिखा होता है योजना के विषय में, तो आपको सिंपली इसी पर टच करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल में जो है ये अगला स्टेप जो है ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अगला स्टेप जो है ओपन हो चुका ना। तो अब दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आवेदक लॉगिन, तो आपको सिंपली आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये अगला स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होता है पंजीकृत आवेदनकर्ता लॉगिन, जैसा कि आप जो है अपना यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म को स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर लिखा होता है सेलेक्ट पेंशन स्कीम, तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको तीनों पेंशन का नाम देखने को मिल जाता है, तो आपका जो भी पेंशन हो अपना पेंशन यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखा होता है रजिस्टर्ड आईडी, तो आपको सिंपली अपना पेंशन का रजिस्ट्रेशन आईडी सिंपली फिलअप करना है। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसा कि आप जब भी अपना फॉर्म फिलअप कराए होंगे या अपने मोबाइल से फिलअप किए होंगे, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिला होगा, एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिला होगा, तो आपको वही रजिस्ट्रेशन संख्या को आपको यहाँ पर सिंपली फिलअप करना है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसे कि आप जो है अपने पेंशन में जो भी अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराए होंगे, आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर सिंपली फिलअप कर देना है। और मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है सेंड ओटीपी, तो आपको सिंपली सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर नीचे लिख के आ जाएगा योर ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और यहाँ पर आपका लास्ट का 3 डिजिट मोबाइल नंबर भी शो होकर आ रहा होगा। आपको यहाँ पर लिखा होता है 1 मिनट, जैसा कि आपको 1 मिनट के अंदर ही यहाँ पर एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको फिलअप करना है। और ओटीपी को फिलअप करने के बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड आपको देखने को मिल जाता है, आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पर सिंपली टाइप करना है। जैसा कि आपके मोबाइल में जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर शो हो रहा होगा, आपको उसी तरह से यहाँ पर अपना कैप्चा कोड सिंपली फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद में आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होता है आवेदक डैशबोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना। और यहाँ पर आपके पेंशन का नाम भी लिखा होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर लिखा होगा आपका, और यहाँ पर एप्लीकेशन नेम भी लिखा होगा कि किसके नाम से जो है आपका पेंशन बना हुआ है। अब आपको अपना स्टेटस किस तरह से चेक करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दे लेना है। यहाँ पर लिखा होता है आवेदन की स्थिति, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा होता है ना आवेदन की स्थिति, तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि तीनों स्टेप आपका वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ। तीनों स्टेप यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है, जैसा कि यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका होगा तीनों स्टेप में। तो अगर यहाँ पर कोई स्टेप आपका क्रॉस का निशान बना होगा रेड कलर का, तो आप समझ जाइएगा कि आपका फॉर्म ही अभी तक जो है सही से फिलअप ही नहीं हो पाया है। तो अगर आपका यहाँ पर तीनों स्टेप वेरीफाइड है और आपको अपना स्टेटस चेक करना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और ओके वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पेंशन का पूरा स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ऊपर नीचे करके आप यहाँ पर अपना पूरा डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, आपको चेक करना है कि आखिर में आपका पेंशन बना कि नहीं बना। जैसा कि आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो लेवल 1 से लेकर के यहाँ पर लेवल 5 तक का यहाँ पर पूरा डिटेल बताया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपका लेवल 3 से वेरीफाइड होना स्टार्ट हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे लेवल पर यहाँ पर वीडियो और SDM के द्वारा जो है यहाँ पर फॉरवर्ड किया गया है, और यहाँ पर ऑन डेट भी लिखा रहा है किस डेट को फॉरवर्ड किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे चौथे लेवल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर SDM जो है
DWO को यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिए हैं और यहाँ पर ऑन डेट भी लिख के आ चुका है। और जब DWO जो है यहाँ पर रीवेरीफाइड कर देंगे तो जो है आपका पेंशन जो है बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पाँचवें लेवल में DWO जो है यहाँ पर फॉरवर्ड किए हैं कि नहीं, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो रीवेरीफाइड लिखा होगा और यहाँ पर बाई लिखा होगा DWO, जैसा कि यहाँ पर नीचे डेट भी लिखा होगा कि किस डेट में जो है आपका पेंशन का फॉर्म जो है रीवेरीफाइड किया गया है। और अगर यहाँ पर पाँचों लेवल तक वेरीफाइड हो चुका होगा तब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि PFMS अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर एक्सेप्टेड लिख के आया है कि नहीं आया है। जैसे कि कुछ लोगों का अभी तक जो है टू बी अपलोडेड लिख के आ रहा है और वो जो है वीडियो में बार बार कमेंट करते हैं कि सर जो है मेरा कई दिन से जो है टू बी अपलोडेड लिख के आ रहा है, मैं अपना स्टेटस चेक करता हूँ तो वहाँ पर जो है टू बी अपलोडेड ही लिख के आ रहा है, तो वो जो है कैसे सही होगा। जैसे कि जिन भाइयों का यहाँ पर टू बी अपलोडेड लिख के आ रहा है उनको जो है अपने समाज कल्याण ऑफिस पे चले जाना है, वहाँ पर जो है आपको ये चीज़ बताना है कि सर मैं जो है काफ़ी दिन से परेशान हूँ, मेरा FMS अकाउंट वाले ऑप्शन पर जो है टू बी अपलोडेड ही लिख के आ रहा है, वहाँ पर फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है, तो वो आपकी समस्या को जो है सॉल्व कर देंगे। तो अगर यहाँ पर आपका एक्सेप्टेड लिख के आ चुका है तो आप समझिएगा कि आपका जो है पेंशन बन चुका है। और अगर यहाँ पर रिजेक्टेड लिख के आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर अगर रिजेक्टेड लिख के आ जाता है तो आप समझिएगा कि किसी कारणवश जो है आपका यहाँ पर पेंशन रिजेक्ट हो चुका है। कि अभी क्या हो रहा है कि DBT एंड PCI सभी का लिंक हो रहा था, या आधार कार्ड में कोई नाम गलत है, या बैंक अकाउंट में आपका कोई नाम गलत है और वो जो है अपना बैंक अकाउंट लगा दिए हैं, तो उसके कारण भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जा रहा है सभी का फॉर्म। तो आपको ये चीज़ नोटिस करना है, ये चीज़ चेक करना है कि यहाँ पर एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर एक्सेप्ट होगा तब तो आपका पेंशन बन चुका होगा और आपका पेंशन का पैसा भी आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर जितने भी नए पेंशनर्स हैं उनका 3 महीने बाद जो है 3,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जितने भी पुराने पेंशनर्स हैं तो उनका जो है पेंशन का पैसा तो आता ही होगा। दोस्तों इसी तरह जो है अपना पेंशन का स्टेटस चेक करिए कि आपका पेंशन बना कि नहीं बना। और दोस्तों अगर आप इस स्टेटस को प्रिंट भी करना चाहते हैं, अपने मोबाइल में सेव करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करके जो है आप इसको अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं या जो है आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आपको जो है अपना पेंशन का स्टेटस किस तरह से चेक करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।